प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को कानक्लोज डक्ट परियोजना की आधारशिला रख दी है। बता दें कि यह परियोजना 42 महीने में तैयार होकर पूरी हो जाएगी। बता दें कि उज्जैन ने कान नदी के दूषित जल को शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए इस परियोजना को तैयार किया जा रहा है। बता दें कि यह परियोजना 42 महीने में तैयार हो जाएगी। इसके बाद कान नदी का प्रदूषित जल गंभीर नदी के डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जाएगा। मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि 600 करोड़ रुपए की लागत से बने इस परियोजना से आने वाले समय में सेवरखेड़ी में बैराज निर्मित पर शिप्रा नदी का पानी लिफ्ट कर सिलार खेड़ी में लाया जाएगा और वहां से पुनः शिप्रा में छोड़ा जाएगा। इससे शिप्रा का पानी शिप्रा में ही रह जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के ग्राम डांडिया स्थित शनि मंदिर के पास 817 करोड़ की लागत से इस परियोजना एवं अन्य भूमि पूजन कर इसका लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 5000 करोड़ की लागत से उज्जैन जाबरा फोर लेन भाया नागदा का भी शीघ्र निर्माण होगा और इसका भी उज्जैन इंदौर 6 लेन का शीघ्र भूमि पूजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 16 जून को पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसकी मदद से श्रद्धालु बहुत ही कम समय में महाकालेश्वर ओंकारेश्वर जैसे तीर्थ स्थान पर पहुंचकर महादेव के दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के माध्यम से लोग उज्जैन भोपाल ग्वालियर जबलपुर रीवा इंदौर सिंगरौली खजुराहो की हवाई सेवा का भी लाभ उठा पाएंगे। बता दें कि इस दौरान उज्जैन में प्रतिमाएं बनाने का कारखाना भी स्थापित किया जाएगा और यहीं से प्रतिमाएं देश एवं प्रदेश के कोने कोने में पहुंचेगी, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी हमारे यहाँ एयर टैक्सी के बाद हेलीकॉप्टर सेवा, ये हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जोरदार ताली बजाओ आपने। लगभग वैसे तो उज्जैन से इंदौर का भी 6 लेन हमने मंजूर कर दिया, लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लागत का उज्जैन इंदौर का 6 लेन 6000 करोड़ और ऐसे 5000 करोड़ का जावरा उज्जैन 4 लेन तो दो ही 11000 करोड़ का। और अभी एनएचआई के माध्यम से उज्जैन में लगभग 6000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र तो गिने ही नहीं, विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 1000 एकड़ हमारी सारी पूरी हो गई और 1000 एकड़ जमीन हम दूसरी लेने वाले हैं ताकि उत्तर उद्योग और बना सके हमारे यहाँ। उसका प्रपोजल भी हमने आगे बढ़ा दिया तो उज्जैन के अंदर उद्योग धंधों में कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए। कोशिश तो बहुत सारी चल रही है, सब मिला के लगभग लगभग अभी के हिसाब में ये ऐसा कुल मिलाकर के विकास का कारोबार जिसको शब्दों से आंकड़ों से बांधोगे तो थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन एक एक करके आप देखो कि जो हमने कहा था वो सब करके दिखाते जा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर सेवा केवल उज्जैन ओंकारेश्वर नहीं है, यह हमारे अतीत के हजारों साल पुराने द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रति पूरे देश और दुनिया की जो आस्था है उसको जोड़ने का संकल्प हमारे सबके सामने है, वो आनंद में हम सहभागी बन रहे हैं। उज्जैन से एयर टैक्सी का भी शुभारंभ हुआ हमारे अपने हवाई पट्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए जोरदार ताली बजा, उसके कारण से पूरा एयरपोर्ट बनने का हमारा प्रपोजल भारत सरकार में मंजूर होके आगे आ गया और बड़ी बात है। तो उज्जैन का एयरपोर्ट अब पूरा बनेगा, ये प्रस्ताव हमारा भारत सरकार ने माना है।